कभी कभी ये ट्रिक काम कर जाती है, कभी कभी ये ट्रिक काम कर जाती है, एक बार ट्राई कर लो। ठीक है, जिन बच्चों को आवाज कम आ रही है ना, आपके पास स्पीकर का ऑप्शन होगा, पहले आप फोन पे क्लिक कर लो, ठीक है, उसके बाद दोबारा से इस पर जाना, स्पीकर पर आ गई नहीं, आ गई ना। हाँ, कभी कभी वो रीज्वाइन करने से भी आ जाती है। सो फिर से स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, है ना, वास्तविक संख्या, और हम इसमें बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ चुके थे, अभी तक काफी चीजें कवर कर चुके हैं, हम पूर्णांक पढ़ चुके हैं, पूर्णांक बसंत क्रियाएं पढ़ चुके हैं। अभी लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे, अभाज्य गुणनखंड पढ़ रहे थे, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने इसको लिखा है 9 को 3 गुणा 3, क्या मैंने ये अभाज्य गुणनखंड में लिखा है इसे, क्या मैंने ठीक लिखा है, अभाज्य गुणनखंड है ये इसके, यस मैम, जल्दी से वाई और एन ठीक लिखा है, यस बिल्कुल ठीक लिखा है, क्योंकि 3 भी अभाज्य संख्या है और ये 3 भी अभाज्य संख्या है, और ये तीनों को गुणा करके 9 आएगा। अगर मैं आपसे कहती हूँ कि 8 को मैं 4 गुणा 2 लिखूं, क्या ये इसके अभाज्य गुणनखंड है, यस मैम, 4 गुणा 2 अभाज्य गुणनखंड में आएगा, नो मैम, नो मैम, अभाज्य संख्या नहीं है ना, 4 गुणा 2 8 होता है, लेकिन 4 अभाज्य संख्या गुणनखंड है पर अभाज्य गुणनखंड नहीं है, अभाज्य, देखो नाम में अभाज्य है ना, तो अभाज्य संख्याएं ही आनी चाहिए। हम इसको करते कैसे हैं ये भी आपने सीखा होगा। अब अगर आपने 8 के ही अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं, तो आप सारी अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11, 13 इन अभाज्य संख्याओं को छोटी से छोटी अभाज्य संख्या लेने की कोशिश करोगे। तो सबसे पहले आप देखो 2 से, हाँ 2 से तो 8 भाग हो जाता है, तो आप लिखोगे 2 चौके 8। अब 4 फिर से देखोगे, बिल्कुल 4 भी भाग हो जाता है 2 से, तो 2 दूनी 4, और फिर से 2 एकम 2। ये प्रक्रिया हमने कब तक करनी है, ये स्टेप हमने करना है जब तक 1 ना आ जाए। तो आप 8 को अभाज्य गुणनखंड में कैसे लिखोगे, 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, अब इसी की जगह अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको 18 के निकालने हैं, तो आप देखोगे आप 18 को 3 ना 18 कर सकते हो, लेकिन आपने शुरुआत क्या करनी है, बिल्कुल छोटी अभाज्य संख्या से करनी है, क्योंकि हमें पता है 18 2 से भाग होता है। तो पहले आप करोगे 2 9 18, उसके बाद 3 2 से नहीं जाता है, 3 से भाग होता है, तो आप 3 3 9 करोगे और फिर 3 एकम 3 करोगे, तो 18 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 गुणा 3 गुणा 3। तो इस तरह से हमने अभाज्य गुणनखंड सीखे थे, सभी बच्चों को आते हैं, किसी को कोई डाउट है तो पूछो, भी सभी यस लिखो, सभी यस लिखो, ताकि मुझे पता चले क्लास में सब प्रेजेंट हो, सब यहीं पर हो। ओके, 4 बच्चों का यस आया, इसका मतलब 4 ही बच्चे प्रेजेंट हैं। पांच बच्चे, चलो फिर एक क्वेश्चन करते हैं, सभी बच्चे ये क्वेश्चन करेंगे, आपको 9 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक है, 9 के अभाज्य गुणनखंड निकालना है, अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा वो देखना है। अभाज्य गुणनखंड, एक हिंट देती हूं मैं इस क्वेश्चन के लिए, जिस भी ऑप्शन में आपको अभाज्य संख्या यानी कि भाज्य संख्या नजर आ रही है ना, वो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो ही नहीं सकता, है ना, हमेशा हमें पता है अभाज्य संख्याएं आती हैं। ओके ओके, सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे, शाबाश, 3 बच्चों के आंसर आए हैं अब तक, जिन बच्चों ने कर दिया वेरी गुड, सभी को पता है ना पोल कहाँ से आता है। देखो आपकी स्क्रीन पर नीचे 3 डॉट्स बने हुए होंगे, उन 3 डॉट्स पर जाना है, फिर आपको एक एक्टिविटीज के नाम से सबसे नीचे ऑप्शन मिलेगा, एक्टिविटीज है ना, वहां पर कुछ ऐसे 3 डॉट्स बने हुए होंगे, एक्टिविटीज मिलेगा, उस एक्टिविटीज पर जाकर आपने पोल 1 एक्टिव लिखा होगा, वहां पर जाना है और उस पर जाकर आपने वोट, सही उत्तर चुनकर वोट करना है।
ठीक है, सभी अपने फोन में देखेंगे, 3 बिंदु पर जाना है। वेरी गुड नीरज, वेरी गुड दीपिका, दीपिका के नाम से दीपिका ही है ना? यस मैम। यस, वेरी गुड दीपिका। सभी बच्चों को मैंने बता दिया है कि किस तरह से आंसर करना है। ओके सुमित, वेरी गुड, वेरी गुड निशा, वेरी गुड। एक मिनट निशा, अपना आंसर दिखाओ बेटा। क्वेश्चन क्या है और आप मुझे आंसर क्या दिखा रहे हो? क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन में तो 90 के अभाज्य गुणनखंड बोले ना। अभी तक 8 बच्चों ने आंसर किया है, बाकी बच्चे? हाँ ठीक है पायल आपका। चलो जल्दी से आंसर, जब तक सब आंसर नहीं करोगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। जो बच्चे पोल में आंसर नहीं कर रहे इसका मतलब वो क्लास में प्रेजेंट ही नहीं है। सीधी सी बात है, उन्होंने भले ही अपनी अटेंडेंस लगा दी हो बट यहाँ तो वो प्रेजेंट नहीं है। तो मुझे पोल से पता चल जाए, पोल इसीलिए भी आंसर करना जरूरी है कि मुझे पता चले कि कौन क्लास में सच में पढ़ रहा है। जो पढ़ रहा होगा वो क्वेश्चन का जवाब देगा, भले ही गलत देगा कोई बात नहीं, ट्राई करो। ठीक है, जो पोल में आंसर ही नहीं कर रहा है इसका मतलब वो क्लास में ही प्रेजेंट नहीं है। निशा आप बेटा कुछ और ही दिखाए जा रहे हो मुझे, जो क्वेश्चन है। हाँ ये ठीक है, अब ठीक है, अभी ठीक है। ओके लास्ट के 10 सेकंड्स और देती हूँ। अभी भी जो बच्चा रह गया है अपने आंसर करो जल्दी से। क्लास में कितने सारे बच्चे हैं? अभी तक केवल 11 बच्चों ने आंसर किया है, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। चलो लास्ट के 5 सेकंड्स और, उसके बाद कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा। कोशिश करो क्वेश्चन करने की। 5, 4, 3, 2, 1। अब कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा वहां पर। और जिन बच्चों ने हैंड रेज किया आपको भी पता चल गया होगा, केवल उन बच्चों ने आंसर दिया है। शाबाश। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले तो आप 2 तरीकों से देख सकते हो। पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि 9 क्या है? एक भाज्य संख्या है, जबकि अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्याएं आनी चाहिए। इसी तरह ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता, क्योंकि 6 भी भाज्य संख्या है ना? ये हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी भाज्य संख्या है। तो आपको तो ऐसे ही करेक्ट आंसर मिल गया बिना कुछ किए, है ना? ऑप्शन सी, बिना कुछ किए, बिना कैलकुलेशन किए आपको थोड़ी सी ट्रिक लगानी है ना? बाकी सारी भाज्य संख्याएं सारे ऑप्शन में, सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें अभाज्य संख्याएं सारी, तो बचा हुआ वही ऑप्शन करेक्ट होगा। पर चलो हम दूसरे मेथड से भी देख लेते हैं। 90 है तो 90 सबसे पहले 2 से स्टार्ट करो। 2 से भाग होता है, बिल्कुल होता है। तो 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 90 को आप 2 से भाग करोगे। 2 चौक 8, बचा 1 0, तो 2 पंजे 10, आपके पास 45 आएगा। 45 यहाँ लिख दोगे। अब 45 2 से भाग नहीं होता, लेकिन 3 से भाग जरूर होता है, क्योंकि 4 प्लस 5, हम ऐसे देखते हैं, अगर अंकों का योग 3, 6, 9 आता है, अंकों का योग अगर 3, 6 या 9 आता है तो वो संख्या 3 से भाग हो जाती है। तो 5 और 4, 9, तो इसका मतलब ये संख्या 3 से भाग हो जाएगी। आप 45 को 3 से भाग करो। हम 45 को 3 से भाग करेंगे। 3 एकम 3 बचा 1, 3 पंजे 15। आप यहाँ से भी देख सकते हो, 3 एकम 3, 1 इधर आ गया, 3 पंजे 15। अब 15 भी 3 के पहाड़े में आता है, 3 पंजे 15, और उसके बाद वाली अभाज्य संख्या 5 है, तो 5 एकम 5। तो देखो 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 आ गया ना आपके पास ऑप्शन सी आंसर। अभी भी किसी को डाउट है तो बताओ जल्दी से, क्योंकि इतने कम बच्चों ने आंसर किया था, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आया सबको? सभी को समझ में आया? सिर्फ ये कुछ एक बच्चे हैं जो हैंड रेज करते हैं, जो आंसर करते हैं। मुझे पूरी क्लास का आंसर चाहिए बेटा आगे से, ठीक है? वेरी गुड, शाबाश। चलो अभी आगे सीखते हैं हम। आज हम पढ़ेंगे LCM और HCF, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, ठीक है? हिंदी में, इंग्लिश में आप LCM HCF कह देते हैं, हिंदी में हम ला सा और मा सा कह देते हैं, ठीक है? चलो तो महत्तम समापवर्तक क्या होता है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इंग्लिश में इसे HCF कहते हैं,
हिंदी में इसे महत्तम समापवर्तक कहते हैं। आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा हुआ है, हिंदी में पढ़ा हुआ है, मतलब HCF पढ़ा है आपने, या फिर से महत्तम समा म से पढ़ा है। आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी, और किसी को भी नहीं आ रही है क्या? आ मैम। रही है? हाँ, कार्तिक की आईडी से जो भी है बेटा आप एक बार रीज्वाइन करो। हाँ, अब मुझे बताओ आप HCF लिखते आए हो आज तक, क्योंकि ये 6th क्लास से आप पढ़ते आ रहे होंगे, ठीक है? HCF पढ़ा है आपने या महत्तम समापवर्तक लिखते हो आप? बताओ। चलो कोई बात नहीं, हम दोनों एलसीएम, हम दोनों चीजें सीख लेंगे, एलसीएफ एलसीएम। अब इंग्लिश में इसे एचसीएफ लिखते हैं, हिंदी में महत्तम समापवर्तक। अब देखो, दो या दो से अधिक दी गई संख्याओं के सार्व गुणनखंडों में सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड दी गई संख्याओं का महत्तम, महत्तम मतलब सबसे बड़ा समापवर्तक कहलाता है, ठीक है? अब देखो, जैसे अगर उदाहरण के लिए मैं आपसे कहती हूँ 4 और 6, ठीक है? 4 और 6 का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF निकालो, ठीक है? अब आपने क्या करना है, 4 और 6। अब सबसे पहले आप क्या करो, मुझे बताओ सार्व गुणनखंड क्या होंगे? 4 के सार्व गुणनखंड बताओ क्या क्या है, 4 के गुणनखंड बताओ बस, सार्व हम बाद में देखेंगे। बेटा रिज्वाइन करके भी नहीं आ रही है क्या? कार्तिक की आईडी से जो है, बेटा आपने जो लिखा है सुमित, आपने अभाज्य गुणनखंड लिखा है, जो उर्मिला ने लिखा है वो गुणनखंड है, वो गुणनखंड है, ठीक है? सभी बच्चे इसी, कोई बात नहीं, ये वाली कंफ्यूजन हो जाती है, गुणनखंड क्या होते हैं? सबसे पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि गुणनखंड क्या होते हैं। गुणनखंड क्या होंगे, जो हम जो है इसके जो जिस जिसके पहाड़े में 4 आता है, या फिर जो संख्याएं 4 को पूरी तरह से भाग कर देती है। नहीं 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 2 गुणा 2, 2 गुणा 3, ये नहीं, ये तो आप अभाज्य गुणनखंड लिख रहे हो। हाँ, पहले देखो आप 4 किस किस के, 1 की टेबल में तो आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, तो ये इसके गुणनखंड कहलाएंगे। जब अभाज्य गुणनखंड लिख रहे हो आपको, तब आप 4 बराबर है 2 गुणा 2 लिखो, ये अभाज्य गुणनखंड, ठीक है? और अभी हम खाली बात कर रहे हैं गुणनखंडों, तो 4 के गुणनखंड क्या हुए, 1, 2 और 4। अब ऐसे ही 6 के लिखो, 6 के भी लिखेंगे साहब, 6 किस किस के टेबल में आता है, बस ऐसा सोचो कि 6 किस किस के टेबल में आता है, 1 के टेबल में तो सारी संख्याएं आती हैं, बिल्कुल ठीक, 2, 3, 6, 1। वेरी गुड, 1, 2, 3 और खुद के टेबल में 6। अब देखो, अब इनमें क्या करना है आपने, अब इनमें देखो आप सार्व गुणनखंड यानी कि कॉमन क्या है, ठीक है? इनमें अब कॉमन कौन कौन है मुझे जल्दी से बताओ, इसमें और इसमें कौन कौन से कॉमन है, ऐसे कौन से गुणनखंड जो दोनों के पास है, 1 और 2 बस, ठीक एक दो है? 1 और 2 में बड़ा कौन है, दो दो बड़ा है ना, तो जो बड़ा है वो इसका क्या आ गया, महत्तम समापवर्तक या फिर HCF। तो इन दोनों का HCF क्या आ गया, 2 आ गया, दो ठीक है? तो इसी तरह रुको, अब जैसे मैं आपसे कहती हूँ, पहले आप क्या करो, 12 और 18, ठीक है? हम ये दोनों नंबर्स लेते हैं, पहले मुझे 12 के गुणनखंड बताओ क्या होंगे, फिर 18 के गुणनखंड बताओ क्या होंगे। पहले 12 के लिखो, फिर 18 के, एक दो गुणनखंड कितने छह हैं, बारह जितने भी गुणनखंड आप लिखोगे, गुणनखंड आप लिख सकते हो, सभी कोशिश करो चार्ट में लिखने के। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, सभी बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। 1 के पहाड़े में 2 आता 12 आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में, 4 के टेबल में, उसके बाद 5 में नहीं आता, 6 में आता है, उसके बाद 12 के टेबल में आता है, तो 1, 2, 3, 4, 6, 12। इसी तरह 18 का भी देखेंगे साहब, वेरी गुड, वेरी गुड, सारे लिखने हैं बेटा आपने, सारे
18 के भी गुणनखंड लिखो इस तरह। शाबाश, वेरी गुड। एक दो तीन छ और फिर उसके बाद 9, उसके बाद 12, सॉरी 12 नहीं 18, है ना। सो इन सब पहाड़ों में 18 आता है। मैं सिंपल सी भाषा में बोल रही हूँ कि इन सब के पहाड़ों में 18 आता है। एक के पहाड़े में आता है, दो के पहाड़े में आता है, तीन के पहाड़े में आता है, छह के पहाड़े में आता है। अब इनमें आप क्या करो, अब इनमें सार्व ढूंढ लो, इनमें आप कॉमन ढूंढ लो, सार्व गुणनखंड जो जो दोनों के पास है। एक दोनों के पास है, बिल्कुल है। दो दोनों के पास है, बिल्कुल है। तीन भी है, उसके बाद छह भी है, इतना ही है। तो एक दो तीन और छह। अब इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? छह। वेरी गुड। तो छह के आ गया जो सबसे महत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो सबसे बड़ा वाला कॉमन गुणनखंड जो है वो छह है। तो ये मतलब है, अभी मैंने आपको मतलब समझाया कि महत्तम समापवर्तक का मतलब क्या होता है। जितने भी गुणनखंड होंगे उन नंबरों के, उनके हम 7 गुणनखंड देखेंगे और उसमें सबसे बड़ा गुणनखंड जो होगा वही महत्तम समापवर्तक होगा, ठीक है। मतलब समझ में आया सभी को, ठीक है। बट अब हर बार तो आप नहीं लिख सकते ना। मान लो उदाहरण के लिए मैं आपको कह दूं कि आप 122 और 180 के लिखो, तो 122 के गुणनखंड लिखने में तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, 180 के गुणनखंड लिखने में भी बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। तो वो तो बहुत लंबा, फिर उसमें फिर आप सार्व देखोगे, फिर उसमें सबसे बड़ा वाला देखोगे। तो उस केस के लिए हम क्या करते हैं, उस केस के लिए हमारे पास एक तरीका होता है, ठीक है, महत्तम समापवर्तक निकालने का फॉर्मूला से, ठीक है। तो हम एक ट्रिक सीखेंगे। आप सभी को गुणनखंड निकालने आते हैं, अभाज्य गुणनखंड 24 के और 36 के। सभी बच्चे 24 और 36 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और चार्ट में लिखेंगे। अभी मैं चार्ट बंद कर रही हूँ, पहले सब निकाल दो, 10 सेकंड का टाइम दे रही हूँ। 24 और 36 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अब मैं गुणनखंड की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अभाज्य गुणनखंड की बात कर रही हूँ, जो आप इस तरह से करके निकालते भी हो, ठीक है। 24 और 36 के 5 सेकंड और 5, ओके सुमित। हाँ चलो ऐसा करो, हैंड रेज कर देना जो जो करता जाएगा, फिर मैं चार्ट खोल दूंगी जब मुझे लगेगा आधी से ज्यादा क्लास ने कर लिया। तो मित्र गुणनखंड, अगर किसी को कंफ्यूजन है, सॉरी सभी करेंगे अभाज्य गुणनखंड जैसे हमने किया था ना, कि मान लो 18 के निकालने आपको, तो 2 9 18, 3 3 9 3 1 3, तो 18 के क्या हो गए, 2 गुणा 3 गुणा 3। वैसे ही 24 और 36 के निकालो, ओके निशा, ठीक है। 3 3 9 निशा, 4 9 36 के 3 ही। नहीं नहीं निशा, आपने जो लिखा है बेटा, मैंने ये नहीं बोला था निशा, ये देखो मैंने 8 के कैसे निकाले हैं। बिल्कुल ठीक नीरज, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक सुमित, वेरी गुड। हाँ जी, बाकी कितने बच्चों ने किया अब तक? ओके, काफी बच्चों ने कर लिया है। चलो अब चार्ट में लिख दो 24 के गुणन, 24 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे और 36 के क्या होंगे। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। तो सबसे पहले 24 को 2 से भाग करेंगे, तो हमें पता है 12 2 24, फिर से 2 से भाग हो सकता है, 2 6 12, 2 3 6 3 1 3। इसी तरह अभी 36 भी 2 से भाग हो सकता है, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3, वेरी गुड। अब आप क्या करो, आप 24 के भी लिख लो और 36 के भी लिख लो। 24 क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, और 36 क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब हमें क्या निकालना है, इसका महत्तम समापवर्तक, ठीक है। हमें इसका क्या निकालना है, महत्तम समापवर्तक।
आपने क्या करना है, यस अब इनमें कॉमन ढूंढ लो, दो तो कॉमन है बिल्कुल ठीक, एक और दो कॉमन है उसको भी लिख लो, उसके बाद इस दो का कोई जोड़ा नहीं है, इस तीन का कोई जोड़ा नहीं है, या फिर आप इस तीन के जोड़े को ऐसे लिख सकते हो, इस तीन का कोई जोड़ा नहीं है, तो दो गुणा तीन कितना आ गया बेटा कॉमन ही, अब इस केस में आप गुणा करके लिखोगे, दो दूनी चार दिया बारह, आ गया ना बारह, तो मैं से क्या आ गया हमारा महत्तम समापवर्तक क्या आ गया एचसीएफ क्या आ गया बारह, समझ में आया सबको किस तरह से निकालना है, यस ठीक है, पहले आप अभाज्य गुणनखंड देखो, उसके बाद आप देखो उनमें कॉमन क्या है, बस दो स्टेप करने हैं आपको, सभी बच्चे नोट भी कर लो, नोट कर लिया क्योंकि मैं आगे क्वेश्चन देने वाली हूँ, क्वेश्चन में आप एक टू एक क्वेश्चन आप इससे देख के कर सकते हो, वेरी गुड वेरी गुड, चलो जी यस, तो आपने सबसे पहले क्या करना है उनके गुणनखंडों के रूप में लिखना है, उसके बाद आप देखोगे कि उनमें आप देखोगे उनका मैसे क्या हो, जो जो कॉमन है आपने उन्हें लिख लिया और उन्हें आपस में गुणा कर लिया, है ना। अब ऐसा करते हैं, रुको मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन देती हूँ आपको, अठारह और सत्ताईस का आपने मैसे निकालना है, ठीक है, महत्तम समापवर्तक निकालना है, सभी बच्चे कोशिश करेंगे पहले अठारह की अभाज्य गुणनखंड, ठीक है मैं यहाँ पे स्टेप वाइज भी लिख देती हूँ, आप पहले 18 के अभाज्य गुणनखंड निकालो फिर 27 के निकालो, ठीक है 18 के लिखो 27 के लिखो और उन दोनों का कॉमन देख लो, उनमें कॉमन क्या क्या है, उनमें कॉमन क्या क्या है, ओके 9 आया, ठीक है जिस जिसने कर लिया है वो लिख दो, मैं किसी एक से अनम्यूट करा के भी पूछूंगी, तो सभी बच्चे कोशिश करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखो ये तो बहुत बेसिक चीज है सबको आनी चाहिए, ओके वेरी गुड सुमित, वेरी गुड नीरज, और किसने किया है, सभी खुद ट्राई कर रहे हो ना, शाबाश वेरी गुड, तो 18 के आप अभाज्य गुणनखंड क्या लिखोगे, दो नाय 18 तीन तिया 9 तीन एकम तीन, तो आप लिखोगे दो गुणा तीन गुणा तीन, और 27 को 27 दो से भाग नहीं होता तीन से भाग करो, तीन नाय 27 तीन तिया 9 तीन एकम तीन, तो 27 को तीन गुणा तीन गुणा तीन लिखोगे, इस दो का जोड़ा कोई नहीं है इसको आप रहने दोगे, लेकिन इस तीन का जोड़ा ये है तो तीन लिख दो, इस तीन का जोड़ा भी ये है तो इस तीन को भी लिख दो, तो आपके पास आ जाएगा 9, वेरी गुड दीपिका, सबको समझ में आया किस तरह से निकालना है महत्तम समापवर्तक, यस मैम, है ना, अगर अब ये दो का समझ में आ गया सबको, अब इसी में आप क्या कर सकते हो, ठीक है आप इसी में क्या कर सकते हो, अगर मैं आपसे और कह दूं, ठीक है मैंने एक और नंबर जोड़ दिया, अब आपको कुछ नहीं करना, आप 51 के भी गुणनखंड निकालो और फिर देखो कि तीनों में कौन से कॉमन है, तीनों में, और फिर मुझे बताओ, अगर आपको तीन संख्याएं भी दे दी जाए तो आप उनका भी निकाल सकते हो, ओके वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है सुमित, तो आपने लिखा है अच्छा हाँ ठीक है आंसर, ठीक है आंसर, ठीक है आपका, ओके नीरज, हाँ ठीक है नीरज का भी ठीक है, बाकी सबने, बाकी किसने किया अभी चार्ट में लिख दो आंसर, किस किसने कर लिया, दीपिका कितना आंसर आया बेटा, अब
देखो 51 का हमें पता है 5 + 1 छह ना, अंकों का जोड़ 6 है तो ये 3 से भाग हो जाएगा। 2 से तो भाग नहीं हो सकता क्योंकि एक विषम संख्या है, 3 से भाग करेंगे तो 3 × 3 = 3, 3 × 3 = 21। सर हमें पता है 17 अभाज्य संख्या है, किसी और से भाग नहीं होता तो 17 ही रहेगा। अब आपको पता है 18 के गुणनखंड 2 × 3 × 3, 27 के 3 × 3 × 3 और 51 के 3 × 17, तो तीनों में ही केवल 3 कॉमन है, उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका मैच क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। वेरी गुड, यस, सभी ने बिल्कुल ठीक किया, यस, समझ में आ रहा है ना सबको। सिर्फ कुछ एक बच्चे ही रिप्लाई करते हैं, ये निशा, सुमित, नीरज, दीपिका, कार्तिक की आईडी से जो है, उर्मिला, उर्मिला भी करती है, यस, बाकी बच्चे भी किया करो। कहीं पे कुछ भी समझ नहीं आए तो पूछो फौरन, ठीक है। पायल, समझ में आ रहा है साहब? यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी ऐसा करते हैं, रुको, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12, 16 और 28, इनके अभाज्य गुणनखंड आपको दे दिए हैं, आप इनका महत्तम समापवर्तक बताओ कितना होगा। सभी बच्चे चैट में लिख दो, चलो देखते हैं। बिल्कुल ठीक जवाब है सबका, क्योंकि केवल 2 × 2, 2 × 2, 2 × 2, सिर्फ यही कॉम। चलो क्वेश्चन करोगे अब एक, अगर समझ में आ गया है किस तरह करना है। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं, बट ये क्वेश्चन अगर सभी बच्चों का ठीक हुआ तभी हम आगे पढ़ेंगे, नहीं तो मैं और क्वेश्चन करवाऊंगी पहले, ठीक है। सभी बच्चे क्वेश्चन का सही सही, और जितने बच्चे हैं सभी ने आंसर करना है। किस किस ने पोल के आंसर किए थे, फिर आज मैं ऐसा करूंगी ग्रुप में भेजूंगी किस किस ने किए थे। चार, वेरी गुड, सभी कर रहे हैं, ओके नीरज। अच्छा अभी ना कोई बैक कैमरा करके मत दिखाओ, जब मैं बोलूंगी तब दिखाना, क्योंकि नहीं तो बाकी बच्चे आपके आंसर देख लेंगे। सभी को खुद से ट्राई करने दो। वेरी गुड, अभी तक एक भी बच्चे का गलत नहीं हुआ है, वेरी नाइस। बट 7 बच्चों ने आंसर किया केवल, क्लास में तो बहुत सारे बच्चे हैं। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, 3 डॉट्स हैं, वहां पर जाओ, फिर एक्टिविटीज पर जाओ, और उसके बाद पोल पर जाओ, उसके बाद वोट जरूर करो, ठीक है। क्या कोई ऐसा है जिसके पास एक्टिविटी का ऑप्शन नहीं आता, कोई ऐसा है? ओके, एक बार मैं नाम दे देती हूँ किस किस ने कर लिया है, तो वेरी गुड, जिसने नहीं किया करो। लगभग 15 बच्चे हैं क्लास में, केवल 12 ने आंसर किया है। ऐसे नहीं चलेगा, सबके आंसर चाहिए मुझे। पायल, आंसर किया? कोई ऐसा ना हो जो भूल ही गया उपाय पोल में आंसर करना, नोटबुक पर तो सॉल्व कर लिया पर पोल में करना भूल गया। यस सुमित, हाँ अब आप आंसर दिखा दो। यस सुमित, ठीक है आपका। पायल, नहीं इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ ना बेटा, इस वाले का। हाँ ठीक है पायल, ठीक है। चलो लास्ट की 5 सेकंड्स और, 5, 4, नीरज आपका भी ठीक है, 3, 2, 1, वेरी गुड, एक भी बच्चे का गलत नहीं हुआ है, शाबाश। अब मुझे एक बार चैट में बता दो, ऐसे कौन कौन बच्चे हैं जो एक साथ मतलब एक डिवाइस से ज्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं, मतलब एक ही फोन से 2 या 3 बच्चे हैं, और कोई बच्चा है ऐसा जिसके पास एक्टिविटी का ऑप्शन नहीं है, वो अपने अपने नाम लिख दो। क्या कोई ऐसा है जो एक ही फोन से कई बच्चों ने ज्वाइन किया हुआ है, नाम लिख दो अपना चैट में, वो जो जो बच्चे हैं।
नीरज आप अकेले जुड़े हुए आज? यस मैम। ओके ठीक है, और कोई कोई नहीं ऐसा, और सभी के पास एक्टिविटी का ऑप्शन आता है। चलो फिर तो ठीक है, तो 8 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे हम। 2 2 4 2 चौके 8, 2 2 4, 2 चौके 8, 2 2 4, 2 1 2, और 12 के भी लिखेंगे। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। अब हम यहीं से भी देख सकते हैं, 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, तो इनका मैसे क्या आ गया, इनका एचसीएफ क्या आ गया, 2 गुणा 2, और सभी बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया था, 4, सभी का बिल्कुल ठीक था। वेरी गुड पायल, हाँ सभी बच्चों का ठीक था। एक और क्वेश्चन कर ले फिर, चलो एक और क्वेश्चन, लेकिन इस बार थोड़ा सा मुश्किल है ना, थोड़ा सा मुश्किल नहीं है आप लोगों के लिए, आप लोग काफी अच्छे से कर लेते हो। आपको 18, 18, 18, 54, 54, 54 और 81 इनका महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ निकालना है। हाँ क्या हुआ कार्तिक? अच्छा पोल, हाँ पोल में आप आंसर कर सकते हो, आराम से टाइम लो, 2 मिनट का टाइम ले लो इस क्वेश्चन को करने के लिए। पहले 18 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए, फिर 54 के लिखिए, फिर 81 के लिखिए। ओके सुमित ने कर लिया है, बट सुमित आपका मुझे फोन में आंसर नहीं नजर आ रहा है। मिल गया। वेरी गुड, बट सभी एक बार अपना आंसर क्रॉस चेक करके ही सबमिट करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, मैंने पूरे 2 मिनट का टाइम दिया है, तो सभी ध्यान से करेंगे। हाँ अभी बेटा बैक कैमरा करके मत दिखाओ, नहीं तो बाकी सब बच्चे भी आपका आंसर देख लेंगे। तब एक बार सबने आंसर कर दिया, फिर मैं आपका बैक कैमरा ऑन करके देख लूंगी। चलो 6 बच्चों ने आंसर कर दिया है। नोटबुक नहीं दिखानी, सभी को आंसर करने दो। चलो 7 बच्चों ने आंसर कर दिया है, बाकी बच्चे यस सभी करेंगे आंसर। अगर आप पोल में आंसर नहीं करते हो, सिर्फ क्लास में प्रेजेंट रहते हो, उससे कोई फायदा नहीं है बेटा, आपको जो समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तभी मुझे पता चलेगा। ओके चलो लास्ट के 5 सेकेंड और, 5 4 3 2 1। अब दिखाओ सब अपने अपने आंसर एक बार, ठीक है सुमित एक मिनट। ओके सुमित ठीक है, दीपिका आपका भी ठीक है, और किसने किया है? यस दीपिका आपका ठीक है, नीरज नीरज आपका भी ठीक है, और किसने किया है? निशा, निशा दिखाओ बेटा, ओके निशा, बट मुझे फाइनल आंसर नहीं नजर आ रहा है,
चैट बॉक्स खोल देती हूँ मैं इसमें। कार्तिक बेटा आप भी दिखा रहे हो क्या आंसर? जो बच्चे आंसर बैक कैमरा करके नहीं दिखा सकते वो चैट में। नो मैम जी नो। ओके सभी नौ लिख रहे हैं। ओके दो नाए अठारह, तीन किया नौ, तीन एकम तीन, दो दूनी चार, दो सते चौदह, तीन नाए सत्ताईस, तीन किया नौ, तीन एकम तीन। अब इक्यासी दो से नहीं जाता, तीन से जाता है। तो तीन दूनी छह, तीन सते इक्कीस, तीन नाए सत्ताईस, तीन किया नौ, तीन एकम तीन। तो यहाँ पर अगर हम देखें 18 के गुणनखंड पहले हम लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है 54 के लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 और उसके बाद लिखेंगे 81 के तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे 2 कॉमन नहीं है, 2 इसके पास है बट यहाँ पर नहीं है, तो 3 एक तो कॉमन आ गया और एक ये वाला 3 कॉमन आ गया, ठीक है तो सिर्फ यही कॉमन है। तो हमारा मैं से क्या आ गया महत्तम समापवर्तक 3 गुणा 3 जो कि 9 है। अब अगर मैं आपको आंसर दिखाऊं, सभी बच्चे पोल में भी चैट में भी 9 लिख रहे हैं, अगर आप देखो तो 50% बच्चों ने ऑप्शन बी किया है, तो किस किस से हुई है वो मिस्टेक मुझे वो बताओ। 3 किस किस ने चुना था? मैंने मैम। हाँ निशा क्या गड़बड़ हुई थी बेटा? गलती से मैम। मतलब आपने आंसर ठीक निकाला बट ऑप्शन गलत चुना? यस मैम। बेटा ऐसा नहीं करना नेक्स्ट, ठीक है आते हुए भी आपका गलत हो गया। और किसने और किससे हुई है वाली मिस्टेक? मुझसे मैम। आपसे हुई? यस मैम। ओके और मैम क्वेश्चन तो समझ में आया ना सबको क्या करना है? यस मैम। पक्की बात है? यस मैम। ठीक है नोट कर लिया सबने? वेरी गुड। चलो एक क्वेश्चन मैं और देती हूँ अपने पास से, ठीक है इन तीनों का आपने एचसीएफ निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है, ठीक है। चार्ट को मैं भी बंद कर रही हूँ, जो जो बच्चा कर लेगा हैंड रेज करना, फिर मैं उस हिसाब से चार्ट बॉक्स खोल दूंगी। जो कर लेगा वो हैंड रेज कर देना अपना। अच्छा सुमित और नीरज ने कर भी लिया? ओके आराम से दो मिनट का समय लो क्वेश्चन को करने के लिए, कोई जल्दी नहीं है। बट सभी सभी ने ट्राई करना है, सिर्फ ये नहीं जो कुछ एक बच्चे हो गए जैसे सुमित हो गए, उर्मिला, दीपिका, निशा, नीरज, यही बच्चे हैं जो ट्राई करते हैं, बाकी बच्चे भी करो, ठीक है। जब तक सबको समझ में नहीं आता तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। कार्तिक भी कार्तिक की आईडी से कौन है, कौन है कार्तिक की आईडी से? अच्छा पूनम की आईडी से कौन है? दयावती। बेटा चलो चैट में लिख देना। अच्छा विवेक की आईडी से कौन है? विवेक है मैम। विवेक ही है, विवेक आपको समझ में आ रहा है बेटा? यस मैम। ओके सुरेश की आईडी से कौन है? पूनम पुलिया का आईडी कौन है? ओके रवि। अच्छा रवि भी दो है ना क्लास में, रवि कुमार की आईडी से तो रवि ही है, और दूसरा रवि रवि की आईडी से कौन है? हाँ जी तो वापस से क्वेश्चन पर आते हैं, सिर्फ सुमित और पायल ने अब तक कर लिया है, बाकी सब भी कोशिश करो। गुरदीप की आईडी से कौन है बेटा? हम्म
ओके, जगदीश कुमार की आईडी से कौन है? चलो दीपिका ने भी कर लिया है। तो जो बच्चे जवाब ही नहीं दे रहे हैं, मैं ये मानूं कि वो क्लास में प्रेजेंट ही नहीं है, चैट में लिख देना। चलो कोई बात नहीं, अगर आपको अनम्यूट नहीं करना आप चैट में लिख देना। सुमित, नीरज और दीपिका ने कर लिया है, बाकी सब भी ट्राई करो। वेरी गुड, पायल ने भी कर लिया है, पूनम की आईडी से जो उन्होंने भी कर लिया, विवेक ने भी कर लिया, शाबाश। कोई बात नहीं, ट्राई करो भले ही गलत हो। निशा, आपको समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके, ट्राई कर रहे हो ना। रवि, आपके आंसर पहले आते थे बेटा, आप नहीं आ रहे हैं, क्या बात? उर्मिला, उर्मिला है क्लास में? चलो 5 सेकंड और लेती हूँ, फिर मैं, फिर ऐसा करना, जरूरी नहीं है आप फाइनल आंसर लिखो, जिस बच्चे ने अब तक जितना कर लिया है, आपने 84 के अभाज्य गुणनखंड बना लिए हैं तो आप केवल वो लिख देना, आपने 96 के अभाज्य गुणनखंड बना लिए हैं, 72 के, तो केवल जितना आपने कर लिया है। जब मैं चैट बॉक्स खोल दूंगी, आपने जितना अपनी साइड से कर लिया है एटलीस्ट उतना लिख दो, ठीक है? जरूरी नहीं है फाइनल आंसर लिखो, बट जितना आपने अब तक कर लिया है उतना आंसर सब लिख देंगे। चलो चैट बॉक्स मैंने खोल दिया है, फाइनल आंसर चेक करते हैं। 28 आया है, ओके। नीरज का 12 है, सुमित का कितना आया है? सुमित आपका कितना लिखा हुआ है बेटा? 12, हाँ 12 है सुमित का भी, ठीक है। अभी हम चेक करेंगे। चलो निशा, सभी बच्चे अब 84 के गुणनखंड लिखो, 84 के अभाज्य गुणनखंड लिखो। 2 × 2 × 2, ठीक है, 2 × 8, 2 × 2 = 4, 2 को भाग करेंगे फिर 42 से, 21, अब 3 से भाग करेंगे 7, फिर 7 से, 2 × 2 × 3 × 7, किस किस बच्चे का ये आया था बताओ जरा, गेस करो, जिस जिसका 84 तक सही था। यस मैम। सभी का यहाँ तक ठीक था, आप गुणा करके भी चेक कर सकते हो, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 7 = 84, सेम आना चाहिए। चलो मैम ठीक है, लिखो जरा एक बार सब जल्दी से, 96 के लिखो, नीरज ने लिख दिए हैं, हाँ जी। तो सबसे पहले 2 से भाग होगा, 2 × 8, 2 × 8 = 16, 2 × 2 = 4, 2 × 8, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3, बिल्कुल ठीक लिखे थे नीरज ने, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3, 2 5 बार आ रहे हैं, 2 × 3 = 4 × 5, हाँ। उसके बाद 72 के किस किसने कर लिए थे, कोई बच्चा ऐसा जिसने 72 के भी कर लिए थे? ओके, दीपिका ने लिख दिए हैं 72 के, बिल्कुल ठीक, 2 × 3 = 6, 2 × 6 = 12, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, 2 × 9 = 18, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3, 2 × 2 × 2 × 3 × 3। अब इनका हमने निकालना है महत्तम समापवर्तक। अब आप सिर्फ कॉमन ढूंढो, ये 2, 2 और 2, 1 जोड़ा आ गया 2 का, फिर से 2, 2 और 2। बेटा कुछ बच्चों ने 4 लिखा था, 3 भी तो कॉमन है ना? यस मैम। 3, 3 और 3 बस, इसके अलावा 7 तो दोनों के पास ही नहीं है, इस 2 के जोड़े बाकियों के पास नहीं है, 3 के जोड़े नहीं, तो 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, तो इनका 12। किस किस का आंसर 12 आया था? सुमित का 12 था, नीरज का 12 था, है ना मैम? मेरा भी 12, पायल आपका भी 12 आया था? यस मैम। ठीक है, बट बाकी सब, बाकी सब ने शुरू में, हाँ पायल का 12 था, बाकी सब भी अलग अलग थे, बट बेटा अब सबको पता चला कहाँ मिस्टेक हुई थी? निशा, विवेक, जिन बच्चों का 4 आया था, समझ में आया कहाँ मिस्टेक हुई थी? मेरा 12 था मैम। विवेक का 12 था, ओके विवेक, ठीक है, हाँ आपने शायद 12 लिखा था।
अब मिस्टेक समझ में आ गई, दोबारा रिपीट तो नहीं होगी? नो मैम। पक्की बात है? यस मैम। चलो वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, अब इसके बाद हम सीखते हैं, ये सभी को अच्छे से समझ में आ गया या इससे और क्वेश्चन भी करने हैं बताओ? और क्वेश्चन करने हैं? एक और क्वेश्चन कर लो मैम। एक और क्वेश्चन? यस मैम। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फिर। एक मिनट। और चलो इन दो का ही निकालो अभी आप, ठीक है? और हम वही करेंगे, मैं भी चार्ट बंद कर देती हूँ और फिर हम देखेंगे कौन कौन कर पा रहा है। 132 और 256 का आपने महत्तम समापवर्तक निकालना है। कार्तिक ने कर लिया, कार्तिक की आईडी से कार्तिक ही है? ओके, नीरज ने भी कर लिया है। दो बच्चों ने कर लिया है। एक मिनट का टाइम दे रही हूँ मैं। और मिस्टेक किसी से नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, बहुत ध्यान से करना। नहीं नहीं कार्तिक अभी मत दिखाओ, नहीं तो बाकी बच्चे आपका आंसर देखते। सबको खुद से ट्राई करना है। विवेक ने कर लिया है, दीपिका ने कर लिया है, ओके। पायल का भी हो गया। सब चेक भी कर लो एक बार। उर्मिला शायद नहीं है क्लास में। कभी कोशिश करो बेटा, कोशिश करने। उर्मिला आप हो क्लास में, कर रहे हो ट्राई? चलो ओके उर्मिला, ठीक है। चलो 10 सेकेंड और, फिर मुझे जिस बच्चे ने जितना कर लिया है, मान लो आपने 132 के गुणनखंड बना लिए तो आप 132 के गुणनखंड लिख देना, आपने 256 के गुणनखंड बना लिए तो आप 256 के गुणनखंड लिख देना, ठीक है? जिसने जितना आंसर कर लिया है उतना चार्ट में लिख देना। चलो अब मैं चार्ट बॉक्स खोलने जा रही हूँ, सब अपने अपने आंसर लिखो। किसका क्या आया महत्तम समापवर्तक? ठीक है नीरज, ओके नीरज, ठीक है चेक करेंगे अभी, ठीक है कि नहीं? ठीक है वैसे तो। यस मैंने चैट बॉक्स खोल दिया है, किसी का आंसर नहीं आया? वेरी गुड कार्तिक, ओके विवेक, ठीक है यहाँ तक बिल्कुल ठीक किया है आपने। सभी कोशिश करो बेटा, ये कुछ एक बच्चे ही अगर करेंगे, सभी के लिए क्लास है ना, तो सभी बच्चे कोशिश किया करो। 132 को पहले आप लिखोगे, 2 6 12 और एक इधर आ जाएगा, 13 में से एक बचा हुआ, फिर से 2 6 12, 2 3 6 2 3 6, ठीक है? अब 3 से भाग होगा ये, और 11 भी अभाज्य संख्या है तो 11 1 11, ये बिल्कुल ठीक लिखा था अब तक जितने भी बच्चों ने लिखा था। अब बारी आती है 256 की, तो पहले 2 से भाग करेंगे, 2 1 2 5 2 2 4 और एक बचेगा वो इधर, 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8,
दो तिया छः, दो दुनी चार, सोलह दुनी बत्तीस, छः दो गुणा सोलह बत्तीस, दो अठे सोलह, दो चौके आठ, दो दुनी चार, दो एकम दो। तो दो कितनी बार आ रहा है, एक दो तीन चार पांच छः सात आठ, आठ बार दो लिखेंगे हम, पांच छः सात आठ। वेरी गुड, वेरी गुड उर्मिला, वेरी गुड। सुरेश की आईडी से कौन है बेटा? वेरी गुड। जगदीश की आईडी से जो भी है, कार्तिक ने ठीक लिखा है, दीपिका ने ठीक लिखा है, बिल्कुल ठीक लिखा है सबने। अब इनका महत्तम समापवर्तक निकालेंगे जो भी कॉमन है केवल। अब ये तो देखना ही बहुत आसान है, तो दो दुनी चार, दो गुणा दो लिखोगे आप, सभी ने बिल्कुल ठीक किया था। तो मुझे लग रहा है कि अब आपको समझ में आ रहा है, अब समझ में आया किस तरह से निकालना है। ओके प्रिंस, हाँ मैं इसीलिए नाम पूछ रही थी, प्रिंस, ठीक है, प्रिंस का नाम भी याद हो जाएगा। नाम आप ना बीच बीच में बताते रहा करो, जैसे कुछ एक बच्चों के नाम मुझे याद हो गए तो आप लोग भी रेगुलर क्लास लगाओगे और अपना नाम बताते रहना तो मुझे याद हो जाएगा। अच्छा निशा आपने भी नोटबुक में किया था, वेरी गुड। सभी को अब समझ में आ गया अच्छे से कि हम महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं और इसका मतलब क्या होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। दिखाओ एक बार से बैक कैमरा करके, जिन्हें एक मिनट रुकना, एक मिनट रुको, एक मिनट। अब सब बच्चे दिखाओ किस किसने बैक, किस किसने नोटबुक में किया था, जल्दी से बैक कैमरा करके दिखाओ किस किसने नोटबुक में किया था। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सो नीरज, निशा, प्रिंस, दीपिका, विवेक, उर्मिला, इन बच्चों ने नोटबुक में किया था, बाकी बच्चे सभी कोशिश करना, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। आज हमने सीखा कि हम महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं आपके होमवर्क के लिए बुक भेजूंगी, तो सभी ने उनकी प्रैक्टिस कर ली है, ठीक है।